हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 13 में जैसे मैं आपको रोज़ बताते रहता हूँ, कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स, ज़बरदस्त जो है टेक्निक्स, आपकी सिक्योरिटी के इम्प्रूवमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें एप्पल लेके आया है। लेकिन क्योंकि हमारा जो iOS 13, आप और हम जो भी लोगों ने iOS 13 अपने आईफोन्स पे इंस्टॉल किया है, उन लोगों ने किया है बेटा वर्जन। अब ये पब्लिक बेटा हो सकता है या डेवलपर बेटा हो सकता है, दोनों ही केस में इसके अंदर है न्यूमेरस बग्स। आपने देखा होगा कभी कभी यूट्यूब क्रैश हो रहा है, कभी कॉल का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे फ़ोन में भी जो है बहुत सारे बग्स है। अभी इस फ़ोन के अंदर जो है पब्लिक बेटा 2 है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरस बग्स है। जैसे कि यूट्यूब मेरा रोज़ क्रैश होता है, दिन में 10 बार क्रैश होता है। यहाँ पे कभी कभी कॉल आता है तो डिस्प्ले पे कॉल दिखाई नहीं देता। इस टाइप के न्यूमेरस बग्स है। लेकिन यहाँ पे आज जो मैं बग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो बग iOS 13 का सबसे ख़तरनाक बग आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी प्राइवेसी, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसलिए जिस किसी ने भी iOS 13 का बेटा वर्जन अपने आईफोन के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है, उस तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोग उठा लीजिए। उन लोगों को पर्सनली जो है ये वाला वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो बग मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे उनका कोई भी नुकसान होने से बच जाए। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोग के लेके आया हूँ। ये जो बग है ये आपको मिलेगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है पासवर्ड्स एंड अकाउंट्स। ये जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जो iOS 12 में भी था। पासवर्ड एंड अकाउंट्स के अंदर आपके जितने भी ईमेल एड्रेसेस होंगे या जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, उनका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेटअप कर सकते हो जिसको कोई भी क्रैक ना कर पाए। और ये जो पासवर्ड्स है आपके फेस आईडी या आपके टच आईडी के ऊपर काम करेंगे। आपको इंडिविजुअली कहीं भी पासवर्ड और ईमेल आईडी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो अच्छा फीचर है यहाँ पे, इसके अंदर ये बग निकल के आया है। तो सबसे पहले जब आप पासवर्ड एंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे वेबसाइट्स एंड ऐप पासवर्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 34 वेबसाइट्स एंड ऐप्स के पासवर्ड मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हूँ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मांगता है आपका फेस आईडी। अब यहाँ पे फेस आईडी जो है नॉट रिकॉग्नाइज्ड अगर होगा तो ये ओपन नहीं होगा। लेकिन ये जो बग निकल के आया है, इसके अंदर आपका फेस आईडी अगर आप ना भी डालें तो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ। यहाँ पे फेस आईडी सेंसर पे मैं हाथ रख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि ये मेरा फेस आईडी कैच नहीं कर रहा। वैसे मैं बैठा हूँ साइड में तो नहीं करेगा। इसको जो है आपको इस तरीके से बार बार टैप करना है। बार बार टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेस आईडी नॉट रिकॉग्नाइज्ड आया है, फिर भी ये एंटर कर गया पासवर्ड्स के अंदर। और यहाँ पे मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पूरे जितने भी मेरे वेबसाइट्स जिस पे मैंने अपना आईडी और पासवर्ड लगाया है वो पूरे यहाँ पे आ गए। और अब कोई भी मुझे पासवर्ड या ईमेल आईडी देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। तो iOS 13 का पब्लिक बेटा 2 या डेवलपर बेटा 2 अगर आपके फ़ोन में चल रहा है तो ये बग आपके फ़ोन के अंदर है। आप कन्फर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और जब तक के अगले बेटा वर्जन का अपडेट नहीं आता, अपना फ़ोन किसी भी आदमी के हाथ में मत देना अनलॉक करके, क्योंकि वो सेटिंग्स में जाके इस टाइप से आपके आईडी और पासवर्ड को देख सकता है। फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये बेटा वर्जन है, इसमें बहुत सारे बग्स है, बहुत सारी कमियां हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम निकल के आया है। और मैं श्योर हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एप्पल जल्दी से एक अपडेट पुश करके ये वाले बग को सॉल्व कर देगा। तब तक के लिए अपने फ़ोन को अपने पास रखिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए जो आपका पासवर्ड चुरा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।